नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिलिट्री लाइफलाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाला है असम राइफल क्या है, इसका क्या काम होता है, आप कैसे असम राइफल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, और साथ में इसका रिटन एग्जाम सिलेबस और फिजिकल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। असम राइफल बनने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका कंट्रोल गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों का गठन 1835 में इंग्रजों ने किया था। जब इसका गठन किया तब इसका नाम कसल लेवी रखा था। 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल रखा गया। दोस्तों, आप बात करते हैं आप असम राइफल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। असम राइफल को आप दो तरह से ज्वाइन हो सकते हैं, एक SSC GD द्वारा और दूसरा असम राइफल की तरफ से डायरेक्ट वैकेंसी आता है। SSC GD द्वारा आप असम राइफल की कॉन्स्टेबल पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं और असम राइफल में आपकी ट्रेडमेंट और टेक्निकल की पोस्ट आते हैं। कौन सी पोस्ट की किस तरह से सिलेक्शन होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। असम राइफल बनने के लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 23 ईयर के बीच में होना चाहिए। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर एज रिलेक्शन मिलती है और ST SC कैंडिडेट को 5 ईयर एज रिलेक्शन मिलती है। मतलब OBC कैंडिडेट 18 से लेकर 26 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट 18 से लेकर 28 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं असम राइफल में जाने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए। हाइट आपका दोस्त मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये स्टेट वाइज हाइट का सूट भी मिलता है। नॉर्थ इंडिया कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कुछ ट्राइबल एरिया में और भी सूट मिल जाती है, वो आप लिस्ट देख लेना। सेस्ट आपका जनरल OBC ST कैंडिडेट के लिए 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST कैंडिडेट के लिए 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुलाम होना चाहिए। और वेट की बात करें तो दोस्तों, मिनिमम वेट आपकी 50 kg होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी जाती है। इसमें आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी है वो 10 पास होना चाहिए और कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 10 पास होना चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस SSC GD द्वारा जो वैकेंसी आता है उसमें अलग होता है और असम राइफल की तरफ से डायरेक्ट वैकेंसी आता है उसमें भी अलग होता है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं SSC GD द्वारा जो वैकेंसी आता है उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। SSC GD द्वारा जो वैकेंसी आता है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। रिटन एग्जाम में आपका 100 मार्क की एग्जाम ली जाती है। इसमें निगेटिव मार्क भी होता है। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में आपका मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और टाइम दी जाती है 24 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होते हैं और टाइम दी जाती है 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल में आपका हर बॉडी चेक की जाती है, पूरी तरह चेक की जाती है। अगर थोड़ा सा भी छूट मिलती है तो बाहर कर दी जाती है। अगर आप मेडिकल फिट होते हो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। दोस्तों, आप बात करते हैं असम राइफल की तरफ से जो वैकेंसी आता है उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसमें आपका टेक्निकल और ट्रेडमेंट की पोस्ट देखने को मिलते हैं और उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। उसमें सबसे पहले आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होता है। जो रनिंग क्वालिफाई करते हैं उसको मेडिकल होता है। उसके बाद होता है रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम में 100 मार्क की एग्जाम होता है। जो रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं उसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। दोस्तों, आप इसी तरह बन सकते हैं असम राइफल। और आप बात करते हैं असम राइफल की सैलरी के बारे में। सैलरी आपका ट्रेनिंग के टाइम 21,000 दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के ऊपर ही दी जाती है। मतलब आपकी सैलरी जो 21,000 से लेकर 69,000 पर मंथ होता है। ये पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है और असम राइफल की ड्रेस इंडियन आर्मी की जैसा ही होते हैं।